फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फेसबुक ने कितना आकार मचा दिया है, फेसबुक के माध्यम से कितने लोग एक दूसरे में फंसते जा रहे, रिलेशनशिप में आते जा रहे, ये मैंने पहले मेरे कई वीडियो में बता दिया है। अभी एक मैनिया की केस स्टडी, मतलब हर्ष भाई की केस स्टडी आपके सामने फेसबुक के जरिए कैसे तैयार हो गई वो आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है, मैं मनोविकार सेक्स रोग संबंध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में, पुणे, ठाणे और नागपुर, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है। यहाँ हम पेशेंट को बिना रिश्तेदार एडमिट करते हैं, रिश्तेदारों के साथ में एडमिट करते हैं और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा मिशन है। मेरे पास में अभी भी एक लड़का आया, 25 साल का लड़का, उसको काफ़ी हर्षवाई हुआ। हर्षवाई मैनिया, मतलब इन द सेंस कि भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत ज़्यादा बातें करना, नींद नहीं आना, और मैं कुछ बड़ा आदमी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसी बातें बोलना और पैसे बहुत ज़्यादा खर्चा करना, और उसमें काफ़ी सारा, मतलब इतना वायलेंट, उसके खिलाफ़ कुछ बोल दिया तो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाना, गुस्सा करना, मारपीट करना, ऐसा चालू कर दिया। उसको फिर जैसा ज़बरदस्ती पकड़ के मेरे पास में लाया कि देखो इतना वायलेंट हो गया, कंट्रोल में नहीं आ रहा, इसको क्या करे, तो मतलब समझ नहीं आ रहा पेरेंट्स को करना क्या है। उसको जब बैठक उसके साथ में किया, काउंसिलिंग का सेशन किया, उसको शांत किया पहले, उसके बाद में बातचीत किया, अभी हुआ क्या है, तो उसको पिछले 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के लक्षण थे। ज़्यादा जब उसमें डीप में जब गए तो मालूम पड़ा कि फेसबुक में उसको एक लेडी मिली जिसके साथ में उसने चैटिंग करना चालू कर दिया। अब उसको ये मालूम नहीं कि उसकी उम्र क्या है, आजकल तो फेसबुक के ऊपर कोई भी अपने खुद के पिक्चर कैसे भी डालते, मालूम नहीं रहता कि कौन कैसा है क्या है, तो इन्फॉर्मेशन भी झूठ देते रहते हैं। उसको मालूम नहीं है कौन है वो लेडी, मस्त चैटिंग करा, उसको उसमें मज़ा आ रही, वो लेडी को भी इसमें मज़ा आ रही उसके साथ में चैटिंग करने के लिए, और ऐसा करते करते साल भर से वो चैटिंग कर रही है, बहुत बातें अच्छी चल रही है, रिलेशनशिप की बातें चल रही है, और उसको धीरे 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 उसको उससे प्यार होने लगा। अब वो चाहता है कि उससे प्यार करे और उसके साथ में शादी करे, और उसको ये एहसास हो गया कि अभी तो मैं उसके साथ में शादी करने वाला ही हूँ और मुझे इतनी अच्छी लड़की मिली, अब तो मेरी उसके साथ में शादी होने वाली है। और वहाँ से फिर वो एक पॉइंट ऐसा आ गया कि वहाँ से वो बड़ी बड़ी बातें करना चालू कर दिया और वो एकदम मैनिक बन गया। यहाँ जब लाया तो बोलता नहीं, मुझे तो उसके साथ में शादी करना है, मुझे तो उसको मिलना है। अब वो लेडी कहाँ की उसको मालूम नहीं, उसके साथ में कभी मिला नहीं, उसने उसको कैसी वो भी देखा नहीं, कभी मुलाकात भी नहीं हुई, मगर बोलता नहीं मेरे को उसके साथ में शादी करनी है, वो तो मेरी दोस्त है, अब मैं तो उसको मिलने जाऊँगा। उसको पकड़ पकड़ के रख रहे। फिर वो लेडी को उसके पेरेंट्स ने संपर्क किया, वो लेडी हमारे हॉस्पिटल में आई। वो तो लेडी जो थी वो 2 बच्चे की माँ थी, उसकी उम्र 40 साल की थी। उसको जब पूछा तो बोल रही, मैं तो अब ऐसा समझ रही कि मैं मेरे भाई के साथ में बात कर रही, पलट गई पूरी। अब भाई के साथ में जब कोई बात करता है तो ऐसी बात करता है, इस तरह की बातें होती रहती, इस तरह का चैटिंग होता रहता रात रात भर। बोल रही नहीं, मैं तो समझ रही कि मैं भाई के साथ में हूँ, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था, मैं तो शादीशुदा हूँ और मैं आपको हस्बैंड के साथ में मुलाकात में कर सकती हूँ, मेरे तो दिमाग में भी नहीं कि शादी करना है। मतलब जब वो ऐसा इसके सामने बोलने लगी तो इसकी आंखें बाद में खुली, कह रहे मैं क्या कर रहा था। ऐसे काफ़ी सारे किस्से आपको मिल जाएंगे कि जहाँ एक दूसरे को देखा भी नहीं है, रिलेशनशिप में आ रहे, बातचीत कर रहे, प्यार कर रहे, शादी की कस्में खा रहे और मालूम ही नहीं कि कौन क्या है। तो बिहार का एक लड़का, वो हमारे पास में जो नागपुर है वहाँ की लड़की, उसके साथ में संपर्क में आया, दोस्ती बन गई। अब ये लड़की उसको मिलने के लिए बिहार में चली गई, पटना में, और पटना में जाके उसको मिलने के लिए अकेले भाग गई, वहाँ चली गई। मालूम पड़ा कि वो एक भंगार कहीं घर में झोपड़पट्टी में लड़का रह रहा है, मेरे उसके साथ में शादी करना है, अब तो मेरा प्यार हो गया। पेरेंट्स पालक है हैरान है, अभी करना क्या इसका। तो इस तरह के प्रॉब्लम इतने सारे ज़्यादा आ रहे हैं और इसमें फिर पागल आदमी हो रहा है, पागल लिटरली। ये लड़का था, ये पूरा मैनिक हो गया। उसको हमको ट्रीटमेंट देने पड़े, मेडिसिन, हाई पावर की मेडिसिन देनी पड़ी, इतना वायलेंट था वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उसको हमको शॉक ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़े उसको। और उसके बाद में वो धीरे 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 क्वाइट हो गया और उसका होश फिर बाद में आना चालू हो गया कि अरे मैं क्या कर रहा था। तो इस तरह के किस्से काफ़ी हो रहे हैं। पेरेंट्स को भी सतर्क ये रहना है, अलर्ट ये रहने का है, भाई हमारे बच्चे कर रहे हैं क्या, वो अकेले कमरे में बैठ के पढ़ाई करते कि और कुछ करते हैं। और उनके ऊपर जब आप निगरानी रखेंगे, उनके ऊपर जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे उनको, तो आपको पता चलेगा कि भाई कौन से कंपनी में आ रहे हैं, उनके दोस्त कौन से, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, स्मार्टफोन के ऊपर क्या देख रहे हैं। तो ये जब पेरेंट्स देखेंगे नहीं, तब तक उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर कोई कंट्रोल होगा नहीं और ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे।
पेरेंट्स बहुत हैरान हैं आजकल, और उनको मालूम नहीं कि अपने बच्चे क्या कर रहे हैं। पेरेंट्स अपने अपने बिजी है, पेरेंट्स खुद भी व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, पेरेंट्स अपने व्हाट्सएप में और फेसबुक में बिजी है, बच्चे अपने फेसबुक व्हाट्सएप में बिजी है। एक घर में एक छत के नीचे रह के भी आप अमेरिका में बैठे हुए जो व्यक्ति उसके अपने फेसबुक के ऊपर चैट करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं और चैट करते हैं घर में, मगर लोग अपने अपने स्मार्टफोन में बिजी है एक ही कमरे में बैठे बैठे। तो ये हालत बदलना होगा, और इसमें हमारे लोग जो है, हमारे समाज के लोग जो है, हमारे देश के जो लोग हैं, उन्होंने ये देखना चाहिए कि हमारा जो संस्कार है वो पूरे बदलते जा रहे हैं। हम संस्कार ही करना छोड़ दें बच्चों के ऊपर, बच्चे भटकते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, तो पता नहीं इसका क्या होगा आगे आने वाले 5 साल में, पता ही नहीं। तो इसमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है, और ये पेरेंट्स की जवाबदारी बनती है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर ये शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी आती है ना उसको क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की इंटीमेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।